इसराइल हमास युद्ध के बीच इसराइल चौतरफा हमलों से घिर चुका है। एक तरफ हिजबुल्ला इसराइल के भीतर तक रॉकेट हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना की गाजा के भीतर बहुत बुरी फजीहत हो रही है। दरअसल हमास के लड़ाके गाजा की गली गली घूमकर आईडीएफ का शिकार कर रहे हैं, जिनसे बचना आईडीएफ के लिए नामुमकिन सा नजर आ रहा है। दरअसल गाजा के भीतर अल नासिर सलाह अल दीन ब्रिगेड और अल नासिर ब्रिगेड ने आईडीएफ की सैन्य चौकियों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे दो लड़ाके पेड़ों के बीच लॉन्चर को तैनात करते हैं और फिर उसके बाद ये लड़ाके इस लॉन्चर से रॉकेट दागने लगते हैं। अल अंसार ब्रिगेड का कहना है कि उसने नेजरी मैक्सिस में आईडीएफ के कमांड और कंट्रोल बेस पर हमला किया है। वहीं अल जैतून में हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के ऊपर एक और बड़ा हमला कर दिया। हमास का कहना है कि उसने इस हमले में आईडीएफ को भारी नुकसान पहुंचाया है और इन हमलों के दौरान गाजा के अल जना और अफसान अल जदीदा में भी भीषण जंग हुई है। और तो और गाजा के भीतर से हमास के लड़ाकों ने तेल अविव की तरफ एक M90 रॉकेट तक फायर कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे। इस हमले के इतर तलाल हवा के दक्षिण में यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास अलकासिम ब्रिगेड ने आईडीएफ के जवानों के ऊपर एक स्नाइपर ऑपरेशन भी किया है, जिसका वीडियो फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि अलकासिम के लड़ाके एक बिल्डिंग में पोजीशन लिए होते हैं और इस बिल्डिंग से दूर एक खंडर में आईडीएफ के कुछ जवान तैनात दिखते हैं, जिनके ऊपर अलकासिम का लड़ाका फायर कर देता है और इसके तुरंत बाद वहां पर आईडीएफ के जवानों में भगदड़ मच जाती है। और इन हमलों को लेकर इजरायली मीडिया ने कहा कि केंद्रीय गाजा में हमास के हमलों में एक रिजर्व सार्जेंट की मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जवान हमास के एक विस्फोट में घायल हो गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद 8 अक्टूबर 2023 के बाद से इजरायली सैनिकों की मौत का आंकड़ा 701 पहुंच गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अल जैतून और देर अल बला में जबरदस्त लड़ाई चल रही है और नेटजरी मैक्सिस में भी हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। और यही वजह है कि अब गाजा की लड़ाई इजरायली सेना के लिए उल्टी पड़ती दिख रही है। गाजा का रफा और खान यूनिस शहर इजरायली सेना की कब्रगाह बन चुके हैं।